दिल्ली में नहीं मिलता, दिल्ली में हम पीते थैली वाला दूध, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है भैंस का दूध। लोगों को कुछ खास नहीं। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हो गया है सोमवार और आज जो है अपना प्लान है कहीं पहाड़ की तरह घूमने जाया जाए। तो हम लोगों ने सोचा कहाँ जाए जो नियर बाई हो, थोड़ा सा नज़दीक हो और हमारा जो है वन डे का विजिट हो जाए, आना जाना जो है हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा आज जो है कैची धाम जाया जाए। तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरी फैमिली है, अभी आ रहे होंगे वो लोग, तैयार वैयार हो रहे होंगे। बाकी मैं जो है तैयार हो गया हूँ। बात करें मौसम की तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप खिली हुई है पीछे, अगर आप लोग देखोगे बढ़िया सी, ठंडा भी है हल्का हल्का, लेकिन सवेरे शाम का है, गाँव का माहौल है तो बात अलग ही रहती है। तो चलते हैं दोस्तों गाड़ी की तरफ को। भाई दिल्ली से आया हुआ है, ये लोग गर्मा गर्म दूध, गर्मा गर्म हो रहा है, भैंस का दूध है, दिल्ली में नहीं मिलता, दिल्ली में हम पीते थैली वाला दूध, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है भैंस का दूध। ओहो, तो इसको पीने में बड़ा मजा आता है, आपको पीना हो तो गांव जाओ अपने और पियो, यहाँ तो नहीं मिलेगा। तैयार हो गए? ओहो, तो दोस्तों आज जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ जाया जा रहा है, लेकिन पापा जी जो है हमारे घर पे ही है और घर का जो है पूरा देख रेख मामला संभालेंगे गाड़ी। और ये जो है दिल्ली से लंबा सफ़र तय करके आ रखी है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले, अगर मेरी पहाड़ वाली वीडियो देखी है तो उसमें जो हमारा सफ़र रहा है वो अधिकतर बाइक से रहा है, और आज पहला सफ़र मुझे लग रहा है अपना जो है कार से होने वाला है एक लंबे समय बाद, या तो फिर बस से हुआ है या फिर बाइक से हुआ है। तो इस बार जो है हम लोग जा रहे हैं कार से पहाड़ों की तरफ, और दिसंबर का महीना है। बात करें डेट की तो आज शायद, पता नहीं मुझे भी याद नहीं है यार, शायद 12 तारीख हो गई, आज 12 तारीख हो गई है, 12 दिसंबर। दोस्तों ये रहे अपने सुंदर से खेत, हरियाली से भरे हुए, जो है निकल चुके हैं घर से। बाकी तो दोस्तों चल रहे, ये रही अपनी दादी, जय माता दी, जय शिया राम, जय हो बाबा जी, जय श्री राम, शिया राम, शिया राम, जय शिया राम। तो हम लोग जो है घर से निकल चुके हैं और अभी जो है 9:30 बजे के आसपास का समय हो रहा है। का कुछ नज़ारा जो सबसे शुरुआत है जो, और ये गांव के अंदर की रोड है फिलहाल, ये है अपना NH-87। तो दोस्तों हम लोग प्रवेश कर चुके हैं हल्द्वानी, और हमारे घर से जो है दोस्तों कैची धाम तक का सफ़र लगभग लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में है, 64 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू गूगल। बट क्या आता है, अंदर से आना जाना थोड़ा बहुत होता है, तो आप 4-5 किलोमीटर उसका भी जोड़ सकते हो। बाकी जो है हम लोग अपनी पहली बिग सिटी कह ले, एक बड़ी जो बड़ा शहर है वो है हल्द्वानी, और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। बाकी जो है दीदी बगैर हेलमेट के चली पड़ी है। दोस्तों समय की तो अभी 10 बजे के आसपास का समय हो चुका है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है आज फिलहाल के लिए इस वक्त, लेकिन आगे देखो क्या पता पहाड़ों में कैसा होता है, वहाँ पे हमें कितना ट्रैफिक मिलता है। तो बाकी जो है आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहना, देखते हैं कि क्या कुछ नया होता है आज के ब्लॉग में, बहुत कुछ नया होगा, बने रहो, मज़ा आएगा। बाकी मम्मी जी कैसा लग रहा है आपको लंबे समय बाद पहाड़ को आके? कब आए? ये है दोस्तों हल्द्वानी की जान, हल्द्वानी की शान, काले कौवे और इसमें काफ़ी कुछ बेहतरीन बातें लिख रखी है पीछे से, इसने जितना ज्ञान चाहिए आप लोग इनसे ले सकते हो। इस तरीके की कटिंग निकालते ना, जैसे जो बाइकर नहीं होते हैं वैसी कटिंग निकालते हैं, उल्टा क्यों कर रखा है तो बताओ। लेकिन और केजरीवाल जी से अच्छी खासी मुझे लग रहा है इसकी दुश्मनी है शायद ये बीजेपी का खास बंदा है मुझे लग रहा है, तभी इसने केजरीवाल जो CM है हमारे दिल्ली के, उनका थोड़ा सा बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। तो हम लोग जो है काठगोदाम से निकल चुके हैं और अब सामने मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक ब्रिज है, ये सिंगल वे है यहाँ से, ये नया बन गया ना, ये ब्रिज जो है नया बन गया है, पिछली बार टूट टाट के इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। यहाँ पे देखोगे आप लोग इस तरीके के कुछ पहाड़ है टूट के, ऐसी हालत है। हाँ, खतरनाक चीज़ क्या होती है पहाड़ जाते वक्त, तो अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी आप लोग समझ, भाई का खुद ही हो रखा है अभी, जैसे मेरा ही हो रखा है आज, जो है वॉमिटिंग जैसा होने की हो रही है, बार बार जो है ऐसा लग रहा है कुछ आने वाला है अंदर से बाहर, अब वो अंदर से बाहर कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकता है कभी भी। चीज़ ये है पहाड़ जो है घुमावदार होते हैं,
पेट जो है उससे काफ़ी घूमने लग जाता है, और लंबे समय बाद अगर आप इस तरीके की जर्नी करो तो और ज़्यादा दिक्कत होता है। अपना सफ़र जो है हमेशा बाइक से ही रहता है। दूसरी चीज़ ये भी है, अपनी की धारा मिलती है वो है, यहीं से तो हमने भरा था लास्ट टाइम। हाँ, पिछली बार भरा था तो यहीं पर रुकने के बाद उल्टी करता है। आप तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पी रहे चाय, और भाई ने हमारे कर ली है अपना जो आपको बताया था कि हालत थोड़ी ख़राब है, खस्ता है, वो सही हो गई है दोस्तों। थोड़ा बहुत जो वॉमिटिंग होनी थी वो हो गई है, और बाकी चाय तो मैं पीऊँगा नहीं क्योंकि कैफ़े जैसा है वहाँ पे रुके हुए हम लोग। भागनाथ किचन, भागनाथ किचन है दोस्तों। बाकी की यहाँ पे की चाय कैसी लगी आप लोगों को? कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो आप लोग मत रुकना यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैंने तो चाय पी नहीं, लेकिन फिर भी जैसा हमारे घर वालों का ओपिनियन है उस हिसाब से। तो दोस्तों अच्छी खासा जो है जाम लगा हुआ है यहाँ पे। लोग जो है कैची धाम से कुछ ही दूरी पे है, भवाली की मार्केट से निकल चुके हैं तरफ पे है दोस्तों। ये है बांज के जंगल और चीड़ के जंगल, तो इसलिए यहाँ पे ठंडा जो है ज़्यादा है। ये रहा कुछ व्यू जंगल का, एरिया है पूरे का पूरा। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग कैची धाम पे, हमने अपनी पार्किंग में लगाई थी, उसी से जो है पैदल पैदल आ रहे हैं, और काफ़ी जो है रश है यहाँ पे, भीड़ भाड़ है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा आगे पीछे भी देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई चढ़ाई जाएगा यहाँ पे। तो अभी हो रहा है 12:16 के आसपास का समय, और एक चीज़ और बता दूँ कि मंदिर के अंदर जो है फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग बाहर से देख सकते हो जितना है, बाकी अंदर जो है आप लोग फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो आप लोगों को कुछ भी अंदर का तो देखने को मिलेगा नहीं, वो उसको जो आप लोगों को देखना है उसके लिए आपको तो यहाँ आना पड़ेगा। और 3 घंटे के आसपास का हमें जो है समय लग चुका है यहाँ पे आने में। बाकी मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रंट का व्यू यहाँ पर से। दोस्तों मंदिर के परिसर के बाहर का एरिया, ये जो है अंदर को जा रहे हैं अब हम लोग, और क्या हो सकता है। और काफ़ी दूर दूर से शायद आई थिंक यहाँ पे लोग आए हुए हैं, वो रहा ऐसा है कुछ। तो यहाँ पे है दोस्तों जूते होते उतारने का, यहाँ पे है दोस्तों हाथ मुंह धोने का, यहाँ पे आप लोग हाथ मुंह धो सकते हैं। कुछ ऐसा दोस्तों यहाँ पे का नज़ारा है, और पैर हो गया ठंडे बढ़िया वाले एकदम, जूते होते उतार दिए अपने, और काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं पब्लिक। यहाँ पे दोस्तों प्रसाद का है, और अंदर तो फोटो वैसे खींच नहीं सकते है। ये रहा, और यहाँ पे जो है सामान वामान रखने का है, जूते वगैरह यहाँ पे बना सकते हैं। बना दो, पीछे पे एंट्रेंस ये देख रहे होंगे आप लोग, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं अपना। और ये दोस्तों इस तरफ पे एक झरना है जो आ रहा है यहाँ से, और ये रहा मंदिर का एरिया, और ये झरना जो है यहाँ से निकलता है और यहाँ से आगे को बढ़ता है। ये हो गई पुल, और ये जाएगा पुल के इस तरफ, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों निकल ले अब यहाँ से, 1:06 का टाइम हो गया है, और अब आगे को बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पी जा रही है चाय, ये रही चाय अपनी पहाड़ी गिलासों में, ये लो। हम लोग दोस्तों जा रहे हैं घोड़ा काल की तरफ को,
और वहीं आप लोगों से जो है मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और अगली वाली वीडियो भी हमारी ज़रूर देखना। तो तब तक के लिए थैंक यू।